Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Saima's Cooking Secrets. Welcome to my kitchen. Viewers, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही famous dish butter chicken की recipe share करने लगी हूँ. चले आए देखते हैं ये मेरे तरीके से कैसे बनता है. सबसे पहले हम pan में 2-3 tablespoon के करीब oil लेंगे और इसमें ये मैंने एक बड़े साइज का प्याज लेके उसको उसकी कटिंग की हुई है. इसको हल्का सा प्याज को हमने सौते करना है, ब्राउन नहीं करना. 2 मिनट हो गए मुझे फ्राई करते हुए. प्याज का थोड़ा सा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया और लाइट सा गोल्डन हो गया प्याज. अब इसमें साबुत ज़ीरा डालूंगी. ये 1 टीस्पून एक छोटा चम्मच जो होता है चाय वाला उसके बराबर मैंने ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया. थोड़ा सा चम्मच चलाएँगे इसमें. साथ ही इसमें 2 टीस्पून यानी 2 चाय के चम्मच के बराबर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया. साथ ही इसमें ये 100 ग्राम के बराबर मैंने बटर लेके वो इसमें डाल दिया. फ्लेम इस टाइम पे बिल्कुल लो कर लेना है आपने ताकि बटर अच्छे से पिघल जाए. जैसे ही मक्खन सारा मेल्ट हो जाए तो इसमें आपने टमाटो पेस्ट शामिल कर देना है. ये मैंने 5 टमाटर लेके उनका छिलका उतार के उनको पीस लिया था. टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए. ये देखें ऑयल नज़र आने लग गया. अब मैं स्पाइसेस डालूंगी. इससे पहले कि मैं स्पाइसेस का आपको बताऊं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन भी क्लिक करनी है ताकि आपको इस तरह की सिंपल और आसान सी रेसिपीज का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलता रहे. और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें. चलिए अब मैं आपको स्पाइसेस दिखा देती हूँ. इसमें मैंने नमक 1 टीस्पून के बराबर लिया यानी छोटी 1 चम्मच. 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला है. 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च है. 1 टीस्पून इसमें हल्दी है. और ये देगी मिर्च भी मैंने 1 टीस्पून ली है यानी सब छोटे चम्मच एक एक ले लिया. ये मैं सारे इसमें शामिल कर दूंगी. साथ ही इसमें हम 4 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड कर देंगे. दही अच्छा सा मिक्स हो गया. अब मैं इसमें 1 kg के बराबर बोनलेस चिकन शामिल करने लगी हूँ. अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर दिया. इसमें पानी डालने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है. चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसी में चिकन ने कुक हो जाना. अब मैं 10 मिनट के लिए इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी. फ्लेम आप मीडियम कर लें और साथ में बीच बीच में चम्मच भी चलाते जाएं ताकि आपका चिकन नीचे ना लगे. 10 मिनट हो गए कुकिंग करते हुए. अब मैं देखती हूँ कि चिकन हमारा गल गया. ये देखें बिल्कुल चिकन गल गया हुआ है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इसमें. इस टाइम पे मैं इसमें सब्ज़ मिर्च मैंने 2 से 3 लेके उनकी कटिंग की उनको डाल दूंगी. आपकी मर्ज़ी है, आप जितना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं. साथ ही इसमें ये कसूरी मेथी मैंने 2 टीस्पून यानी 2 चाय के चम्मच के बराबर ली है. इसको अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए सिर्फ इसको दम पे लगा देंगे. 1 मिनट हो गया. बटर चिकन बिल्कुल रेडी है. फ्लेम बंद कर दें. अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ. बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ी सी क्रीम इसमें डाल के थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग करते हैं. साथ ही ये धनिए के पत्ते भी लगा दें. बटर चिकन बिल्कुल रेडी है. उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें. और ऐसे व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे. तो बेल आइकॉन क्लिक करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए. बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. खुश रहें सब अपने अपने घरों में. अल्लाह हाफिज़.